हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज हिंदी व्याकरण से संबंधित आपकी कक्षाएं होनी है। तो हिंदी व्याकरण में हमने आपको विशेषण तक का पूरी डिटेल क्लासेस जो है प्रोवाइड करा दी है। सब कुछ बहुत ढंग से मैंने बता दिया। अगर इसको पढ़ते हो तो हिंदी जिस भी एग्जाम में पूछा जाता, चाहे अपकमिंग सीटेट है, यूपीटेट है, कुछ भी है भैया, जहां हिंदी पूछा जा रहा है इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। ठीक है, जो भी किताब आप फॉलो करते हैं उसको फॉलो करिए, लेकिन आप जितना मैं बता रहा हूं उन डिटेल्स को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, हमारी नोट्स पढ़ लेते हैं, या आप जो मैं बताता हूं उनसे नोट्स बना लेते हैं, तो ये मान के चलिए उससे बाहर कुछ नहीं आना है। हिंदी शुरू से अंत तक मैं सारी चीजें आपको बता देता हूं। ठीक है, आज उसी के क्रम में विकारी शब्दों का आज चौथा विभेद हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है आपकी क्रिया। और आप सभी लोग जानते हैं कि यह सब कुछ हमारा जो है प्रोग्राम टीम परीक्षा प्लस का 10 प्लस कोर्सेस के अधीन चलता है। अभी हमने बहुत जल्द ही जितने भी लोग ऐसे हैं जो ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है भैया। उसमें 599 में आपके 10 टेस्ट और पूरे मटेरियल हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, जितने भी अकाउंटिंग से हैं, लेवल ला है, सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है, और आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन है, मॉडर्न है, आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस है, इन सभी के पूरे नोट्स आपको मिल रहे हैं बहुत विधिवत। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, पहली चीज तो है आप ऐप के थ्रू जाकर उस क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए। टेस्ट सीरीज वगैरह दमदार है, टीम का अपना विश्लेषण का जरिया है, उस हिसाब से हम सारी चीजों को एनालाइज करते हैं और फिर उन आधारों पर नोट्स तैयार करवाते हैं। ठीक है, कंटेंट सही अपने तरफ से पूरा फोकस किया गया है अच्छे से कि हम आपको बेहतर दे सके। ठीक है, और हम लोग लगभग जितने भी अभी तक क्रैश कोर्स चले हैं सभी में खरे उतरे हैं, आप बहुत सारे लोग ऐसा जानते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 10 प्लस कोर्सेज के अंतर्गत हर क्लास की पीडीएफ लेनी है। तो उसके लिए भी आप ऐप से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। अगर आपको बीओ का, यूपीपीसीएस फ्री का, या फिर ईपीएफओ का जो है क्रैश कोर्स आपको लेना है, तो उसके लिए भी ऐप पर आप जाएंगे, वहां ऑनलाइन कोर्सेज में सबको लगा है, वहां से डायरेक्ट परचेज कर किसी एडमिन को मैसेज कर दे। या मान लीजिए किसी की जो है प्लान की हमारी जानकारी आपको चाहिए विधिवत, तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं किसी भी वक्त। ठीक है, या आप इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। और ज्यादा कुछ जानना है, ठीक है, तो आप जब भी फ्री होते हैं तो हमारी वेबसाइट parikshaplus.org पर विजिट कर लें, यहां पर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ईपीएफओ में जो है अपनी दावेदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं परिवार में शामिल होकर के परीक्षा प्लस के। आप जो है पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बेहतर नोट्स हमारे पास, बेहतर स्ट्रेटजी, बेहतर जो है टेस्ट सीरीज, ठीक है, सब कुछ है। बीओ के लिए हमारे पास सब कुछ है, अभी भी वक्त है, जो लोग जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं। बाकी तो 10 प्लस हम जिसमें यूपी ट्रिपल एससी और अन्य परीक्षाएं जितनी भी होती हैं उन सभी को लेकर चला ही रहे हैं, तो सभी में फायदा देना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे भैया। आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें मूल रूप से पढ़ना है आपको, ठीक है, कि क्रिया क्या होती है और क्रिया के विभेद क्या है, इन्हीं को आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, वर्ब क्या है, क्रिया। अब हिंदी व्याकरण में जो क्रिया है भैया, ठीक, इसमें जैसा कि देखिए उत्तर प्रदेश जो आपका अधीनस्थ सेवा आयोग है, यूपी ट्रिपल एससी है, इसमें जो इस टॉपिक को लेकर पूछा है आज तक बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 19 में जितने पेपर हुए हैं सभी को उठा लो, क्रिया से जो बनने वाले प्रश्न हैं सबसे बेहतर कहीं से भी प्रश्न पूछा है। जहां तक मैं महसूस करता हूं, मैंने जो पेपर को देखा है, क्रिया ही आपका वह पॉइंट है जहां से सबसे बेस्ट पूछता है। और कोई भी व्यक्ति है जो, ठीक है, कहीं पर अगर हिंदी व्याकरण में उसे उलझने आती हैं तो वह क्रिया में आती हैं, इनके पहचानने में, इनके विभेदों को जानने में, इसीलिए बहुत व्यापक रूप से परिचर्चा। देखो, क्रिया शुरू करने से पहले क्रिया की अगर सामान्य परिभाषा देखी जाए तो जैसे मैंने संज्ञा बताया, उसमें मैंने बताया कि अगर नाम लिखा है तो संज्ञा है, किसी का नाम है, देश का नाम, स्थान का नाम, किताब का नाम, कॉपी का नाम, कुछ भी है तो वह संज्ञा है। ऐसे ही मैंने सर्वनाम में बताया कि नाम की जगह जिन शब्दों का इस्तेमाल कर ले वो सर्वनाम है। फिर विशेषण में मैंने बताया कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करें वो विशेषण है। अब यहां पर जो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं, चौथा जो विकारी का पार्ट है क्रिया, क्रिया आखिर कौन से शब्द होते हैं,
क्रिया किसी भी शब्द में, ठीक है, किसी भी क्रिया जो शब्द होते हैं इसकी परिभाषा को हम ऐसा लग सकते हैं कि इन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, करना या होना पाया जाता है। अब आप कहोगे कि सर जी ये होना और करना क्या है, होना पाया जाता है। देखो अब इसी चीज को आपको समझना है, जैसे मैंने लिखा करना, अब ये तो परिभाषा आप मूल रूप से पढ़ते हैं और जानते भी हैं, ठीक है, कि इन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, व्हाइट इस पर दिख रहा है कि नहीं, चलिए मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं। ठीक है, तो इन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, जहां पर कोई भी शब्द आपको यह इंगित करे कि इससे किसी कार्य का होना हो रहा है या कहीं पर किसी व्यक्ति का होना पाया जा रहा है, वह क्या होगा, वह क्रिया होगी। उदाहरण में देखो, जैसे अगर मैं यहां पर आपको बताऊं उदाहरण, जैसे पहला उदाहरण मैंने लिखा राम खेलता है, पहला उदाहरण मैंने बहुत सामान्य सा लिखा राम खेलता है। अब यहां जो खेलना शब्द आया ये क्या है, यह क्रिया है, समझ गए। दूसरी चीज, राम कमरे में है, राम कमरे में है। अब यहां पर जो दूसरा शब्द है कमरे में है, अब यहां मैंने क्या बताया कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वो क्या होते हैं, वो क्रिया होते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो दोनों चीजें आपको देखने को मिली, पहला जो उदाहरण आपको देखने को मिला और दूसरा उदाहरण, ठीक है, पहला उदाहरण है राम खेलता है, अब राम खेलता है खेलना यहां पर क्रिया हो गई जिस शब्द से हमें कुछ पता चले। दूसरा मैंने लिखा राम कमरे में है, अब यहां पर मैंने परिभाषा में बताया था जहां जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, तो कमरे में वो है, मौजूदगी है, तो इसलिए यह भी क्या है, एक क्रिया है। तो हमेशा ध्यान रखना कि क्रिया की परिभाषा क्या है, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया होती। अब क्रिया के जब हम भेद की ओर बढ़ते हैं तो क्रिया के भेद से पहले हमें जानना होता है कि क्रिया का जिन शब्द मूल शब्दों से निर्माण होता है वह शब्द आपके धातु कहलाते हैं, ठीक है। तो क्रिया से पहले हमें धातु को पढ़ना होता है क्योंकि धातु से ही क्रियाओं का निर्माण होता है, और धातु के भेद को पढ़ना होता है। इन दोनों को जब हम समझ लेते हैं धातु को, और क्योंकि धातु से संबंधित सवाल भी पूछा है लोग जो है ये अधीनस्थ और अन्य में भी आपका सवाल पूछता है, तो क्रिया के बाद आपको धातु जानना बहुत ही जरूरी होता है। अब मैं आपको एक एक करके पॉइंट बहुत विधिवत बता रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं जो कुछ मैंने लिखा है, ठीक है, जिस भाषा में मैं आपको बताता हूं उसी भाषा में सब कुछ नोट्स में लिखा होता है, यानी बहुत ही सरल भाषा में, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि धातु क्या होती है। भैया देखो एक चीज हमेशा दिमाग में बना लीजिए, जहां पर भी धातु की बात आएगी उनमें आपको क्या जानना है, क्या सोचना है कि धातु में मैंने बताया कि जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है, ठीक है, जिस मूल रूप से सबसे जो बेसिक, देखो किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो जिससे आपका कोई पदार्थ तैयार होता है वो क्या होता है, वो आपका कच्चा पदार्थ होता है। तो यहां पर भी जिससे क्रिया का निर्माण होता है वह मूल रूप जो होता है वह भैया क्या कहलाता है, धातु कहलाती है। जिससे क्रिया का निर्माण होता, क्रिया शब्द बनते, वह उसका मूल रूप धातु कहलाता है, समझ के, या क्रिया का एक रूप ही होता है धातु, धातु को क्रिया का मूल रूप कहते हैं। कहीं भी मान लो ऐसा प्रश्न पूछ ले कि धातु क्रिया का क्या है, ठीक है, एक विभेद है, मूल रूप है, ठीक है, या क्रिया से अलग है, तो वहां पर आपको इस अनुसार जो है चुनना होता है। जैसे धातुओं के उदाहरण देखिए, बोल लिखा है, पढ़ लिखा है, घूम लिखा है, लिख लिखा है, गा लिखा है, हंस लिखा है, देख जा, ये सब क्या है, ये सब आपके क्रिया के क्या लिखे हुए हैं, वो धातु के मूल रूप लिखे हुए हैं, क्रिया के मूल रूप लिखे हैं, जिनको हम धातु कहते हैं, ठीक। अब इन्हीं में जब हम पीछे प्रत्ययों को जोड़ देते हैं या कुछ ऐसे शब्दों को जोड़ देते हैं जिनसे क्या हो जाता है, क्रिया शब्दों का निर्माण बन जाता है, समझ गए। आगे समझिए, इसमें धातु के अगर मैं भेद की बात करूं, ठीक है,
क्या धातुओं के भी भेद होते हैं? जब आपने यह पढ़ा कि क्रिया जिन मूल शब्दों से बनती है वह धातु होते हैं, तो जब धातु के हम भेद में पढ़ते हैं तो भैया इनके चार भेद बनाए जाते हैं। पहला होती है मूल धातु, ठीक है, जो एकदम सबसे सिंपल फॉर्म में है, ठीक है। दूसरी होती है सामान्य, तीसरी होती है व्युत्पन्न, जो किसी से बनाई जाए, और चौथी होती है क्या, यौगिक, मतलब जो शब्द रचना के द्वारा बनाई जाती है। इन चारों को समझ लो, ठीक है, क्योंकि मूल धातु से सवाल पूछा है, ठीक है। मूल धातु मैंने आपको बताया कि मैं जितना आपको पढ़ा दूं आपको, उसके बाद यह नहीं सोचना है कि सर सिलेबस क्या है, इसका हमें सिलेबस डिफाइन कर दीजिए। मैं शुरू से लेकर अंत तक रेखा खींच देता हूं कि यहीं तक आपकी यह क्या है, सीमा है। इस सीमा तक आप बंधे रहिए, अपने आप को यहां तक पढ़िए, ठीक है, अपने आप को यहां तक तैयार करिए, तो इससे बाहर नहीं जाएगा प्रश्न, ठीक है। मूल धातु किसी पर आश्रित ना होकर स्वतंत्र होती है, एक चीज दिमाग में बनाए रखना, इसकी परिभाषा भी पूछा है, ठीक है, क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एससी परिभाषाओं से संबंधित सवाल ज्यादा देता है। अब ये नहीं डायरेक्ट पूछता है कि कौन सी जो है इसमें धातु है, परिभाषा से सवाल पूछता है। देखिए, मूल धातु किसी पर आश्रित ना होकर स्वतंत्र होती है, ठीक है। जैसे पहला मैंने उदाहरण लिया है खा, दूसरा लिया है पढ़, लिख, गा, जा, रो, ये सब जो शब्द बोले जा रहे हैं ये अपने आप में पूरा अर्थ दे रहे हैं। मैंने बोला खा, तो खा का अर्थ हो गया कि आपको कुछ खाने का मैंने हुक्म दिया, ठीक है। लिख, तो लिख का मतलब आपको लिखना है, लिखने के लिए बोला गया है, समझ गए। यानी ये स्वतंत्र हैं, इनका किसी पर डिपेंडेंट होना नहीं पाया जा रहा, यानी अपने आप में ये क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, बाधित नहीं है। दूसरी होती है सामान्य धातु। भैया सामान्य धातु में जो ना प्रत्यय जोड़कर बनाई जाए, ठीक है, उसका सरल रूप बताया जाए, उसे सामान्य धातु कहते हैं। ध्यान रखना, ना प्रत्यय यहां पर जोड़ जरूर होगा सामान्य धातु में, ना प्रत्यय आएगा। जैसे मैंने आपको बोला क्या, उदाहरणों को मैंने बोला, पहला उदाहरण लिखा है सोना, दूसरा है रोना, पढ़ना, बैठना, लिखना। देखो, इससे पहले वाला मूल धातु जब पढ़े थे तो वहां बैठ, पढ़, लिख, ये सब शब्द आए थे। यहां पर इनके पीछे ना प्रत्यय जोड़ा है सभी में, यानी जब ना आपका प्रत्यय जोड़ जाएगा तो इनसे जो आपकी धातु बनेगी वह धातु आपकी क्या कहलाएगी, वह धातु आपकी जो है सामान्य धातु कहलाएगी, समझ गए। तीसरी है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है जो कहीं से उत्पन्न की जाए, ठीक है, बनाई जाए। कैसे, सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर या और किसी कारण से जो परिवर्तन किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न धातु कहते हैं, ठीक है। जैसे पढ़वाना, पढ़ना लिखा था, अब यह हो गया पढ़वाना, पहले पढ़ता फिर पढ़ना बना, अब पढ़वाना बन गया। दूसरा है कटवाना, ठीक है, अगला है दिलवाना, करवाना, सुलवाना, लिखवाना, बुलवाना, ये सब शब्द क्या हो गए, इनमें कोई ना कोई परिवर्तन मिला, सामान्य धातु में कुछ किन्हीं चीजों को जोड़कर जो परिवर्तन मिलते वह व्युत्पन्न धातु कहलाते हैं। ये सब उन्हीं के उदाहरण है। अगली चीज आती है चौथी, यौगिक धातु। यौगिक का अर्थ आप जानते हैं कि जिनमें कोई चीज जोड़ा जाए, योग किया जाए। कैसे, यौगिक धातु को प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं, जैसे पढ़ना से पढ़ा, लिखना से लिखा, खाना से खिलाई जाती, ठीक है, आदि जो शब्द आएंगे यह सब यौगिक धातुओं के अंतर्गत ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, तो मैंने आपको समझा दिया बहुत ढंग से कि धातु के चार विभेद कौन कौन से होते हैं, चारों को पहचानते कैसे हैं। अब हमें पढ़ना है क्रिया के बारे में, क्रिया के विभेद क्या है। देखो, क्रिया के विभेद जो बनाए जाते हैं कहीं कहीं तीन आधार पर आपको मिलते हैं किताबों में। मूल रूप से क्रिया के दो विभेद हम पढ़ते हैं, एक तो आपका जैसे कर्म के आधार पर हो जाता है, ठीक है, जिसको आप कर्म जाति या रचना के आधार पर बोल सकते हैं, ठीक। तो इनमें क्रिया के दो भेद बनते हैं जब हम कर्म जाति के आधार पर देखते हैं। और सबसे ज्यादा जो पूछता, वैसे यूपी ट्रिपल एससी में जब आप पेपर उठाओगे तो क्रिया में कोई भी आपका रूप बाकी नहीं है जो पूछ ना लिया हो, ठीक है। कुछ ऐसे आपके पेपर होते हैं जिनमें 80-80 प्रश्न होते हैं, जैसे अभी वन रक्षक वालों का जिनका लगा हुआ है उसमें 80 प्रश्न आने हैं, तो इन सभी में भरमार हो जाती है प्रश्नों की, तो वहां वो इतनी डिटेल में घुस घुस के पूछता है कि आपके गलत होने के चांसेस बहुत हो जाएंगे। अगर आपने सामान्य किसी जो है किताब से हिंदी पढ़ रखी है तो आप वहां पर फेल हो जाएंगे, ठीक है। वहां अगर आप 60 में या 80 में अनुमान लगा के गए हैं कि हम 70 प्लस करके आएंगे तो आपका वह आंकड़ा ये मान के चलिए कि 50 तक सीमित हो जाएगा। इसीलिए हमेशा अच्छी किताबों को फॉलो करिए, हिंदी में, हिंदी पढ़ भी रहे हैं
उतनी आसान नहीं है जितना हमारी सोच से होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाली, सबसे ज्यादा गलत करने वाली चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, यूपीटीएससी अपने आप में हिंदी को लेकर भैया बहुत अच्छे अच्छे प्रयास करता, हमेशा ध्यान दीजिएगा। कर्म के आधार पर भैया दो प्रकार की आपकी क्रियाएं होती, एक होता है अकर्मक, दूसरा होता है साकर्मक। अब अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे होती, उदाहरण क्या होते हैं, कैसे जानना होता, इनको बहुत विधवा समझ लो। सवाल आए हैं, आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमेशा अकर्मक क्रिया हम आपसे शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ढंग से समझना हर एक बातों को। ठीक है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, ठीक है, मतलब क्रिया अगर हो रही तो सब कुछ प्रभाव कर्ता पर आपको दिखे, कर्म पर ना जाए। अकर्मक मतलब बिना कर्म के, आ का मतलब होता है बिना, बिना कर्म के जो क्रिया हो, ठीक है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है, जैसे श्याम पढ़ता है, पहला उदाहरण मैंने लिया, श्याम क्या करता है, पढ़ता है। अब पढ़ने का कार्य श्याम कर रहा तो क्रिया जो हो रही उसका पूरा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा, ना कि किसी कर्म पर। ठीक है, इस वाक्य में पढ़ने का फल श्याम पर ही पड़ रहा है, इसलिए पढ़ता शब्द अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अगला है, जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती उन्हें अकर्मक कहते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हो, यानी जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे या जिन क्रियाओं का फल और व्यापार, जितनी तरीके की परिभाषाएं बन सकती हैं, इन परिभाषाओं पर, इनके शब्दों पर आप गौर करोगे तो कभी भी गलत नहीं होंगे आप किसी भी परीक्षा में। अगर आप शब्दों के खेल को नहीं समझते हो तो हमेशा उलझ जाओगे और वहीं पर आप में क्या होती है, भ्रमित होने के कई जो है मार्ग दिखाई देने लगते हैं। तब आपको समझ में आता है कि अच्छा ये भी विकल्प हो सकता और ये भी विकल्प हो सकता, इसीलिए भ्रम की स्थिति कभी भी उत्पन्न ना होने दे। एक यह भी परिभाषा बन सकती कि जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है, बहुत ढंग से आपको समझने भर के पर्याप्त है। जैसे पहला लिया मैंने, राजेश दौड़ता है, दूसरा मैंने लिखा सांप रेंगता है, तीसरा लिखा पूजा हंसती है। अब इन तीनों में देखो, राजेश दौड़ता है, ठीक है, सांप रेंगता है, ये जो शब्द आपके बन है, ठीक है, इनमें अगर आप देखोगे तो कोई भी कर्म आपको नहीं मिलेगा। सांप रेंगता है, इसमें कर्म क्या है, रेंगना तो क्रिया हो गई, ठीक है, पूजा हंसती है, हंसना क्रिया हो गई। इन सभी का जो फल मिल रहा ये क्रियाओं का सीधा फल कर्ता पर पड़ रहा। ठीक है, सांप रेंगता है तो रेंगने का कार्य सांप कर रहा, यानी क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा कर्ता पर पड़ रहा, कर्म पर नहीं। ठीक है, कुछ और उदाहरण जैसे मैंने लिख दिए, मेघनाथ चिल्लाता है, रावण लजाता है, राम बचाता है। अब ये तीनों जो शब्द लिखे हैं ये क्या हैं, ये तीनों भी इसी के विभेद के अंतर्गत हैं। ठीक है, यहां मैंने वाक्यों में परिवर्तन कर दिया, वाक्य मैंने बहुत सारे उदाहरणों में दे रखे हैं कि मान लीजिए कभी पलट के आ जाए तो आप ये कहो कि गुरु जी आपने ये नहीं बताया था, आप सीमा बता रहे थे। तो सीमा रेखा जो मैं खींच रहा हूं इसीलिए क्योंकि मैं उदाहरणों को बहुत व्यापक तौर पर यहां वाक्यों में प्रयुक्त करके आपके सामने रख रहा हूं ताकि कभी भी भ्रम की स्थिति आप में ना उत्पन्न हो। जैसे यहां है, मेघनाथ चिल्लाता है, चिल्लाने का तो कार्य भैया मेघनाथ कर रहा, यानी जो क्रिया हो रही क्रिया का फल सीधा सीधा कर्ता पर पड़ रहा, कर्म तो नहीं है। अगला है, रावण लजाता है तो लजाने का कार्य कौन कर रहा, रावण कर रहा, रावण को लज्जा आ रही, तो यह भी तो सीधा सीधा कार्य किस पर गया, कार्य सीधा कर्ता पर गया, कोई बीच में कर्म का कोई प्रभाव नहीं दिखा। आगे ऐसे है, ठीक, जो उदाहरणों इन पर मैंने दिया उन सभी में क्या कहते कि ये सारी क्रियाएं अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आएंगी। समझ गए, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे जैसे मैंने कुछ और उदाहरण को लिए, राकेश मारता है, लिविन हिलता है, गधा मारता है। यहां पर जैसे राकेश मारता है, अब मारने का कार्य तो कौन कर रहा, राकेश कर रहा, यहां कोई कर्म की आवश्यकता आपको लग रही, कोई कर्म की आवश्यकता नहीं, मारना क्रिया है और क्रिया का प्रभाव राकेश पर जा रहा कि राकेश किसी को पीट रहा है। यहां क्या आपको ऐसा लगता है कि मारने का प्रभाव कहीं कर्म पर गया, नहीं, मारने का प्रभाव सीधा राकेश पर जा रहा, यानी जो क्रिया हो रही वो किस पर जा रही, वो पूरी तरीके से जो है कर्ता पर आश्रित है। ठीक है,
ऐसे उदाहरण जहां मिलेंगे वहां आपको दिमाग में दिमाग लगा लेना है कि ये सभी के सभी उदाहरण आपके क्या है, अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली चीजें सकर्मक क्रिया आप देख लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आप अकर्मक के विभेद को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब सकर्मक क्रिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले ही आपके सामने शब्द क्या लिख गया, साकर्मक, यानी जिसमें कर्म के साथ क्रिया है वह सकर्मक क्रिया होती है। सा का मतलब सहित या साथ, ठीक है, कर्मक, ठीक, यानी कर्म के साथ जहां पर क्रिया हो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे इन क्रियाओं में हमेशा क्या होता है, जो असर होता वह कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जैसे विकास पानी पीता है, इसमें पीता है तो क्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव क्या, पीता है का प्रभाव विकास पीता है अगर लिखा होता तो सोचना था, लेकिन विकास पीता है बीच में शब्द आ रहा पानी पीता है, तो यहां पीने का जो प्रभाव है वह पानी पर जा रहा है। ठीक है, इसीलिए ये क्या होगा, ये सकर्मक क्रिया का विभेद होगा। समझ गए, अन्य उदाहरण लिख दिए, हरीश फुटबॉल खेलता है, मनीषा खाना पकाती है, आतंकी गाड़ी चलाता है, पुष्प कली को बुलाता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है उदाहरण, ये ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ ही पड़ रहा है, कर्ता पर कोई भी आश्रय नहीं दिख रहा लेकिन क्रिया का आश्रय कर्म पर दिख रहा, इसलिए यह सभी के सभी आपके सकर्मक क्रिया के उदाहरण बनेंगे। समझ गए, बहुत बढ़िया। अगला उदाहरण देखें, ठीक है, जैसे रमा चटनी बनाती है, अब बनाने का तो कार्य कर रही लेकिन किसको, चटनी को बनाने का। रवीश हिंदी बोलता है, अब हिंदी पर प्रभाव गया बोलने का। अंकुश शरीर खुजलाता है, ठीक है, वहां लजाता मैंने लिया था, यहां खुजलाता, लेकिन खुजलाने का कार्य शरीर। ठीक, इन चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। अभी आगे उदाहरण मैंने बहुत सारे लिए हैं, इनसे आपका पूरे वाक्य एक एक करके आपके बहुत अच्छे से सारे डाउट यहां क्लियर हो जाएंगे। जो कुछ आज तक आप बना रखे हो मन में, जो विभेद को पहचानने में शंका हो रही, सब कुछ दूर होगा। अगला क्या है, पिंकू संतरा खाता है, अब खाता है तो क्रिया हो गई लेकिन संतरा खाता, यानी खाने का जो प्रभाव पड़ रहा वो कर्म पर पड़ रहा, संतरे पर पड़ रहा। ठीक है, महेश शिकार करता है, मोहन खाना खाएगा, ठीक है, सीता खाना पकाएगी, हनुमान सीता को लाएगा, राम रावण को मारता है। इन सभी उदाहरणों में जो कुछ है उन सभी का जो है प्रभाव, जो कर्म का प्रभाव है वह कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर जो है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। सकर्मक क्रिया के भेद समझ लो, जब कर्म के साथ क्रिया आएगी तो कर्म में है, हमेशा वाक्यों में कर्म दो तरीके के मिलते हैं, कहीं कहीं एक कर्म लिखा होता है, कहीं कहीं दो कर्म लिखा होता है। इसीलिए अब सकर्मक क्रिया के दो विभेद बनते हैं, कहीं कहीं ये तीन विभेद भी आपको मिलता है। कुछ किताबों में मैंने देखा है जहां अपूर्ण क्रिया नाम से एक जोड़ देते हैं, बहरहाल दो पक्का होते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला होता है एक कर्मक, दूसरा होता है द्विकर्मक। एक कर्मक का अर्थ, यानी जिन वाक्यों में केवल एक कर्म आपको मिले वह एक कर्मक क्रिया के विभेद होते हैं। कैसे, जैसे राम रोटी खाता है, अब इसमें राम खाता है क्या, रोटी, एक कर्म आपको मिला। विपिन किताब पढ़ता है, विकास फुटबॉल खेलता है, इन सभी में आपको देख रहे हो कि एक एक कर्म ही आपको मिलते हैं, इसीलिए यह सब एक कर्मक क्रिया के उदाहरण बनेंगे। अब भैया दो कर्मक क्या होती, क्या द्वि कर्म मिलते हैं कि नहीं वाक्यों में, बिल्कुल मिलते हैं। जैसे जिस क्रिया में दो कर्म होते वह द्वि कर्मक क्रिया कहलाती है, पहला कर्म सजीव होता एवं दूसरा कर्म निर्जीव होता, यही विभेद होता है इसमें। क्या विभेद होता है, जैसे हम परिभाषा पढ़े द्विकर्मक क्रिया, अब हमने दिमाग में बना लिया जहां दो कर्म आएंगे वहीं हम मार देंगे। इसमें एक यह भी ध्यान रखना कि जो पहला कर्म होता है भैया वह पहला कर्म सजीव होता और दूसरा कर्म जो होता है वह निर्जीव होता है। समझो कैसे, श्याम ने राधा को रुपए दिए, अब श्याम ने राधा को रुपए, अब यहां दो दो कर्म मिल रहा कि नहीं मिल रहा, श्याम ने राधा को रुपए दिए, एक सजीव मिल रहा दूसरा निर्जीव मिल रहा, जो मैंने आपको बोला।
ठीक है, एक तो इसमें राधा कर्म है, दूसरा रुपए, इसीलिए यह क्या है, द्विकर्मक क्रिया की। जैसे मैंने राधा का खाना खा लिया, अब यहां मैंने राधा का खाना खा लिया, यहां पर भी दो दो कर्म मिल रहे। विकास श्याम की गाड़ी चलाता है, राम रावण के मुकुट को गिराता है, यानी जितनी चीजें मिलेंगी एक सजीव एक निर्जीव की कंडीशन को फॉलो करेंगी। बहुत बढ़िया। अगली चीज है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद क्या होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये बनाई गई इनकी संरचनाएं जिन अनुसार देखने को मिलती हैं वैसे क्रिया के। भैया यहां पर मूल रूप से चार क्रियाएं होती है, लेकिन आपको 11 क्रियाएं भी लिखी मिलेंगी। ठीक है, मूल रूप से चार क्रियाएं इस पर मानी जाती हैं संरचना के आधार पर। ठीक, कहीं कहीं आपको 11 क्रियाएं इसमें लिखा मिलेगा कि संरचना के आधार पर क्रियाओं की संख्या 11 है। ठीक है, तो उन चीजों पर मत जाना, चार मुख्य है, बाकी मैंने परिभाषाओं में दे दिया है, समझा सब कुछ दूंगा, क्योंकि UP SSC ने इन सभी से सवाल पूछा है और पूछेगा। ठीक है, अभी लोअर में बहुत सारी चीजें जैसे चल रही हैं, आयोग हालांकि अब खुल चुका है, कार्य करने लगा है, दर्शन भी हो चुके हैं महाराज के, UP SSC चेयरमैन के, तो अब जो है रिजल्ट वगैरह ऐसा अनुमान है कि आना चाहिए। ठीक है, तो जिनका लोअर मेंस लगा होगा उनके लिए भी ये हिंदी रामबाण है, इससे बाहर नहीं होगा। मान लीजिए जिन अन्य जो आपकी वैकेंसी आने हैं, लेखपाल हो गया। ठीक है, मैंने बताया कि मैं जो हिंदी आपको जितना कुछ पढ़ा रहा हूं इसमें अगर आप पढ़ते हैं तो इससे बाहर हिंदी किसी परीक्षा में नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं, संरचना के आधार पर बच्चा क्रिया के चार भेद बनते हैं, कौन कौन सा। एक तो प्रेरणार्थक क्रिया, जिससे कोई प्रेरणा मिल जाए और उठाए लाइसेंसी और दो चार को निपटा दिए। प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ होता है कि जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से करा रहा है, मतलब कर्ता आलसी है, निहायत आलसी हो जाए कि घर में आप बैठे हैं, छोटा भाई है तो उसी से बोलेंगे किताब उठा दो उधर से, मेरी पेन ढूंढ जो है उठा लाओ, पानी ले आओ, बढ़िया चिल्ड पानी ले आओ। तो ये सब क्या है, जहां आलसीपन आप में सवार हो जाए और दूसरे से क्या कराए, आप काम करवाएं, वह सब प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है। समझ जाना, जहां प्रेरणार्थक आया मतलब ये मोटिवेशनल आपका नहीं है कि आपने किसी को स्पीच दिया बड़ा मोटिवेट हो गया। ठीक है, वो हो सकता है आपके आलसीपन से आप अपना काम निकलवा रहे हो। दूसरा इसमें जैसे मैंने उदाहरण लिए बुलवाना, पढ़वाना, लिखवाना, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण है, अभी आगे व्यापक तौर पर पढ़ेंगे। नाम धातु क्रिया, ठीक है, नाम और धातु, जहां नाम आए मतलब ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किन्हीं अन्य शब्दों जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बने, मतलब ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किसी अन्य शब्दों जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनती है वह नाम धातु क्रिया होती है, हमेशा दिमाग में बना लेना। जैसे अपनाना, ठीक है, अब अपना तो विशेषण हो गया, इसमें अपनाना, ठीक है, गर्माना, गर्म हो गया, गर्म से गर्माना बन गया, तो ये सब क्या होंगे, ये सब नाम धातु आपकी क्रियाएं कहलाती हैं। ये पूछा है नाम धातु, आगे अभी बहुत व्यापक चर्चा करेंगे। अगला है भैया संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया हमेशा ध्यान रखना कि इसको आपने पढ़ा भी है इससे पहले, मतलब ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं के मिलने से बनती है वह संयुक्त क्रिया होती है। समझ गए कैसे, जैसे खा लिया, चल दिया, पी लिया, राम ने पानी पी लिया, अब पी भी और लिया भी, दो दो क्रियाएं एक साथ आ गई, ठीक है, संयुक्त क्रिया हो गई। समझ गए, यानी जहां पर दो क्रियाएं एक साथ है। अगली होती है पूर्वकालिक क्रिया, यथा नामे जथा गुणे, जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, मुख्य क्रिया एक मेन वर्ब होती है, अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा हेल्पिंग वर्ब पढ़ा होगा, एक मेन वर्ब होती है। यहां पर क्या होती है कि जो मुख्य क्रिया है जिसका होना चाहिए कंपलसरी था उससे पहले कोई क्रिया घट गई तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब मैंने बताया कि एक एक क्रियाओं को हम बहुत व्यापक देखेंगे। पहला मैंने लिया है प्रेरणार्थक क्रिया, बहुत अच्छे से समझो इसको कि ये सवाल आता है भैया, पहचानने को हमेशा आया और हमेशा आएगा, UP SSC तो इसका दीवाना है। ठीक है, देखो जिस क्रिया से ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। समझ गए, प्रेरणार्थक क्रिया में हमेशा यह
एक चीज याद रखना, इसमें दो कर्ता होते हैं, इसको मत भूलना भैया, ठीक है, क्योंकि सवाल ऐसा था कि यहां से नहीं बनेगा फिर भी बना है। यानी हमेशा याद रखना है कि इसमें जो कर्ता होते हैं वह दो कर्ता होते हैं, ठीक है। कैसे समझो इसको, पहला होता है भैया प्रेरक कर्ता, जो क्या करता है, प्रेरणा प्रदान करता है। छोटे भाई को आपने कहा पानी ले आओ, तुम्हें क्या करेंगे, बढ़िया वाली बिस्किट लाएंगे, अब वो क्या हो गया, आपने प्रेरणा दी उसको। दूसरा होता है प्रेरित करता, वो आपसे बड़ा प्रेरित हो गया कि भैया बोले हैं लाएंगे और ले आया, ठीक। तो इसमें दो करता आते हैं, एक तो जो वो क्या करता है, प्रेरणा प्रदान करता है, और दूसरा प्रेरित। कहीं पर स्पीच आपने सुना, कोई बंदा बोल रहा है उठो जागो, अब अपने अंदर एकदम दमखम भर लिए, तो वो क्या हो गया, प्रेरक हो गया और आप प्रेरित हो गए, मतलब उससे बड़ा जो है आपको मोटिवेशन मिला और आप सोचे कि आज ही जो है सब कुछ निपटा के मानेंगे, और होता अंत में कुछ नहीं, फिर सोचते हैं कोई और मोटिवेशन। मैं बच्चों को देखता हूं, कई सारे होते हैं, बोलते हैं सर हमें हर दिन मोटिवेशन चाहिए, हम भटक जाते हैं। जब तक आपके अंदर कुछ करने का जज्बा नहीं पैदा होगा ना, तब तक मोटिवेशन से आपको कभी भी आग अंदर नहीं चलाई जा सकती दूसरों के। खुद से मोटिवेशन खुद के लिए बनाओ भैया, सफलता की यही परिभाषा है। अगर आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति जब हमें बोलेगा, दूसरा कहेगा, तभी हमारे अंदर सिंह गर्जना होगी, जैसे पहले हमारे भारतीय राजा महाराजा होते थे, युद्ध में अपने साथ अपने वीर रस के कवियों को ले जाते थे, तो वहां पहले ये रथ पर खड़े होते थे, वो उनका महिमा मंडन करता था, हे महाराजा धीराज तुमने तो आकाश में छेद किया था, ठीक है। तो वो सब मल लाओ, उन भारतीयों को छोड़ो, आज के तुम एक्टिव मेंबर बनो, ठीक है, अपने आप में वो चीजें लाओ, करना है तो करना है, ठीक है। उसके लिए आपको ये नहीं है कि अच्छा दूसरा मोटिवेशन देगा तभी आप जागृत बनेंगे, अगर दूसरा मोटिवेशन देके आपको जगाए तो आपके अंदर की आग क्या है, मतलब इच्छा नहीं है, जबरदस्ती थोपा गया है। इसलिए याद रखो, सफलता पानी है तो अंदर की आग को जलाना होगा, और उसके लिए स्वयं बहुत सारे अपने विचार होते हैं, उनकी आहुति देनी पड़ती है। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण समझो क्या होता है। सुरेंद्र राधा से खाना पकवाता है, सुरेंद्र राधा से खाना पकवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, और उदाहरण भी बड़ा बढ़िया आ गया है इसमें। समझो भैया, पहला जो करता है सुरेंद्र है, और दूसरी जो करता है वो यहां राधा है। एक तो इसमें सुरेंद्र करता है, दूसरा राधा, ठीक है। असलियत काम कौन कर रहा, राधा काम कर रही, क्योंकि खाना पकाने का तो कार्य वही कर रहा, लेकिन सुरेंद्र ने क्या किया, प्रेरणा दिया, और राधा प्रेरित हो गई तो वह जाके खाना बनाने लगी। तो इसमें दो दो आपको क्या मिल गए, कर्ता मिल गए, समझ। रामू धीरज से गाड़ी चलवाता है, अब रामू ने प्रेरणा दी धीरज को, यार तुम बहुत बढ़िया बाइक चलाते हो, ठीक है, मुझे तुम्हारी बाइक चलाने पर बड़ा भरोसा है, मैं सो जाता हूं तुम बाइक चलाते हो। अब रामू एकदम गदगद, वो धीरज, और कहा अब तुम बैठो बाइक पर, हम ही चलाएंगे। अब क्या हुआ, वो बाइक चला रहा है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे में प्रेरणा गई, और वो व्यक्ति क्या करने लगा, उस कार्य को करना शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है, वहीं से क्या हो जाता है, वहीं से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण बन जाता है, समझ गए। मर्जी हो ये आलस में हो, लेकिन अब चूंकि उदाहरण तो उदाहरण, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, ये पूछा भी गया है, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, ठीक है, यहां पर भी वही बातें हैं। अगली चीज है, सुनील अपने बेटे से काम करवाता है, ठीक। सारे उदाहरणों को मैंने यहां लिख दिया है, जितने तरीके के जिन जिन शब्दों को मोड़ दिया जाए, हर एक शब्द आपका यहां पर लिखा मिलेगा। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया के रूप, हमेशा ध्यान रखना, जब भैया प्रेरणार्थक क्रिया में दो दो आपको क्या मिल गए, कर्ता मिल गए, तो रूप में भी इसके क्या मिलेंगे, विभेद मिलेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया दो रूप इसके माने जाते, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय, ये पूछा है UP SSC आपका, इसलिए मैं इतनी डिटेल में बताता हूं आपको। मैं चाहूं तो इसे बहुत ऊपरी ऊपरी सतह से समाप्त कर दूं, लेकिन UP SSC ने इसको भी पूछ रखा है, इसलिए मैं बताना आपको वाजिब समझता हूं, ठीक है। लेक्चर बहुत ध्यान से देखा करो, कहां से क्या है, आप स्वयं से पेपर को नहीं देखोगे, लेकिन यहां मैं जितना बता रहा हूं उनको देखोगे तो भैया पेपर के निकट रहोगे। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना, जैसे यहां पर लिखा है, मां परिवार के लिए भोजन बनाती है, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, रानी अनिवेश को खाना खिलाती है, नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है।
मैंने चार उदाहरण यहां पर लिखे हैं। इन चारों उदाहरणों का मतलब क्या है, हम पढ़ रहे हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का आशय क्या निकला, देखो उदाहरण जो मैंने लिए यहां पर, इन वाक्यों में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है, यही चीज आपको समझना है। जहां पर कर्ता स्वयं प्रेरक बनकर प्रेरणा देने लगे वहां पर वह प्रथम क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण बनेगा। समझे, जैसे उदाहरण को समझो, नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है, नौकरानी ही तो क्या कर रही, प्रेरक है यहां पर, लेकिन क्या हो रहा, प्रेरणार्थक क्रिया क्या हुआ, उदाहरण बनना। अब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है इसको समझ लो, मां पुत्री से भोजन बनवाती है, जोकर सर्कस में हाथी से कर्तव्य करवाता है, रानी राधा से अनिमेष को खाना खिलवाती। अब यहां पर सारी चीजें आपको परिवर्तित मिल गई, तो यह किसका उदाहरण, यह द्वितीय प्रेरणार्थक। एक क्या था, जहां कर्ता स्वयं से प्रेरक था, यहां कर्ता किसी और को प्रेरणा दे रहा। जैसे मां पुत्री से भोजन बनवाती है, मां पुत्री से, पुत्री को प्रेरणा दिया माने, ठीक। तो दोनों उदाहरणों से आपका यह जो पॉइंट है बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, इसमें भी मैंने वही सारे उदाहरण लिख दिए हैं सारी चीजें, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज हम पढ़ते हैं नाम धातु क्रिया क्या होती है। नाम धातु, ठीक है, इसको समझते हैं बहुत व्यापक तौर पर बहुत अच्छे से, क्योंकि UPSSC तो इसका पता नहीं कौन सा संबंध है, नाम धातु प्रेरणार्थक में से एक ना एक देना है उसे, ठीक है, कभी कभी दोनों आया। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम धातु। इसकी भैया परिभाषा पूछा है, याद रखना, इंपॉर्टेंट बना लेना, परिभाषा इसकी आई हुई है। क्या परिभाषा है, परिभाषा इसकी वह है कि संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती उसे नाम धातु कहते हैं। संज्ञा या विशेषण, इन दोनों चीजों को दिमाग में बना लो। कैसे, जैसे लुटेरों ने जमीन हथिया ली, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। अब इन दोनों उदाहरणों में देखो, जैसे हथियाना अपनाना ये क्रियाएं हैं, और हाथ जो है संज्ञा तथा अपना सर्वनाम से बनी है, अतः ये सब क्या होंगे, नाम धातु क्रियाएं बनेंगी, ठीक है। अपना से अपनाना बना, अपना सर्वनाम है, ठीक, उससे अपनाना बन गया, तो ये सब नाम धातु क्रियाएं होंगी। इसमें संज्ञा सर्वनाम और विशेषण तीनों रहते हैं, ठीक है, या विशेषण वो सर्वनाम में से, इसका मतलब ये नहीं सर्वनाम आता ही नहीं, संज्ञा मतलब सर्वनाम हो ही गया एक तरीके से, आप ये भी सोच सकते हैं। तो नाम धातु में संज्ञा अथवा विशेषण या संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण, जैसा बोलना चाहें, के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती वह नाम धातु होती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इन नाम धातु क्रियाएं कैसे बनाई जाती हैं, जैसे संज्ञा शब्दों से नाम धातु क्रियाएं जब बनाई जाएंगी, मैंने पहला शब्द लिया सर्म, ठीक है, सर्म से सर्वाना बना, ठीक है, नाम धातु। लोभ, लुभाना, बात बतियाना, ठीक है, झूठ झूठलाना, कोई गुण दोष, ये सब क्या होते हैं, संज्ञा ही होते हैं, और उनसे जो है कैसे कैसे आपके शब्द बनेंगे, लात लतियाना, दुख दुखाना, ये सभी क्या है, आप एक तरफ संज्ञा शब्द लिखे हैं, दूसरे तरफ नाम धातु क्रियाएं लिखी हुई हैं, समझ गए। दूसरा मैंने लिखा है विशेषण से नाम धातु क्रिया कैसे बनाते हैं, देखो साठ विशेषण है, सठियाना, तोतला, वो साठ नहीं अंगों वाला, ठीक है, तोतला तोतलाना, नरम नरमाना, ठीक है, गरम गरमाना, ये सभी आपके उदाहरण क्या है, ये विशेषण से नाम धातु क्रियाओं का जो है जन्म कैसे होता है, कैसे बनती है ये। अगला मैंने अनुकरणवाची शब्दों को लिया और इनसे नाम धातु कैसे बनती, जैसे थप थप, अनुकरणवाची ये बनाए जाते हैं शब्दों को जोड़कर, जैसे पहला है थप थप, दूसरा है थप थपाना, ठीक है, अगला है क्या थर थर, इससे बनेगा थर थराना, कप कप, कप कप आना, ठीक है, जैसे कहते हैं नहीं कप कप ही, टन टन, टन टन आना, ये सभी आपके शब्द क्या है, ये सब आपके नाम धातु शब्दों के उदाहरण है, ठीक है। इसमें क्या याद रखना भैया, नाम बोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं है, इसको दिमाग में बना लेना, पता चले मैंने परिभाषा बताई तो आप दिमाग में बना लिया कि संयुक्त क्रिया थी, ठीक, इसीलिए मैंने हर एक पॉइंट को यहां जिक्र करना उचित समझा, संयुक्त क्रियाएं नहीं है, संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती हैं, और नाम बोधक क्रियाएं संज्ञा अथवा विशेषण के मेल से बनती हैं, दोनों में यही अंतर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कंपाउंड वर्ब के बारे में पढ़ते हैं, भैया संयुक्त क्रिया क्या होती है, देखिए
जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। यानी दूसरे शब्दों में अगर देखें तो जो दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक नई क्रिया का एक पूर्ण क्रिया का बोध कराएं तो वह उन्हें संयुक्त क्रिया हम कहते हैं। जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया, पहला ही आपका उदाहरण हो गया। दूसरा हो गया किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया रोने लगा, लौट आया। अब यहां क्या मिल रहा, दो दो क्रियाओं से किसी एक क्रिया का जन्म मिल रहा, इसीलिए यह सब कुछ क्या है, संयुक्त क्रिया के विभेद है। समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, अब इन्हीं सब में ठीक है हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे संयुक्त क्रिया में जिन वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण करती उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। दूसरी बात यह याद रखना कि संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है। कहीं दे संयुक्त क्रिया और कहे इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है विभेद करिए, तो ऐसा ना हो कि आप वहां भटक जाए। संयुक्त क्रिया में जो पहली क्रिया होगी वह मुख्य क्रिया होगी और दूसरी क्रिया रंजक क्रिया होती है, याद रखना। ठीक है, रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ में विशेषता लाती है। तो पहली क्रिया क्या होगी, मुख्य क्रिया। जैसे मैंने यहां पर उदाहरण क्या लिया था, वह घर पहुंच गया, तो पहुंचना मुख्य क्रिया है भैया, पहुंचना मेन वर्ब है आपका। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगला, माताजी बाजार से आ गई, इस वाक्य में आ मुख्य क्रिया है तथा गई रंजक क्रिया, दोनों क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया आना का अर्थ दशा जो है दर्शा रही है। मतलब वाक्य को पूर्ण करने में दो क्रियाओं का अहम रोल बनता है, यह चीज हमेशा ध्यान में रखना। विधि और आज्ञा को छोड़कर सभी क्रियापद दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनते हैं, याद रखना। विधि और आज्ञा को छोड़कर, ठीक है, हमेशा जो आपकी सभी क्रियापद होते हैं या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनते हैं, किंतु संयुक्त क्रियाएं इनसे भिन्न है। क्योंकि जहां एक और साधारण क्रियापद हो रो सो जो खा इत्यादि धातुओं से बनते हैं, वहां दूसरी ओर संयुक्त क्रियाएं होना आना जाना खाना रहना उठना बैठना ये सब होती है, इन्हीं को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त क्रिया के भेद। ठीक है, संयुक्त क्रिया के भेद भैया 11 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया UP SSC एक भेद से सवाल पूछ चुका है इसके, इसीलिए मैंने सोचा कि 11 भेद बता देना आपके लिए जो है, एक ये रहेगा चक्षुओं को खोलना रहेगा। तो संयुक्त क्रिया के भैया 11 भेद होते हैं, इसमें UP SSC पूछा है, 19 के पेपर में पूछा, इसलिए जानना जरूरी। पहला होता है आरंभ बोधक, जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध हो उसे आरंभ बोधक, मतलब जैसा नाम है वही है। जैसे वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा, अब पढ़ने लगा बरसने लगा राम खेलने लगा, इनमें क्या हो रहा है, लग रहा है काम अभी प्रारंभ हुआ है। ऐसे है दूसरा समाप्ति बोधक, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता व्यापार की समाप्ति का बोध हो वह समाप्ति बोधक। जैसे खा चुका है वह, पढ़ चुका, इन सभी में देख रहे हो कि क्या है, पढ़ चुका है, ठीक है, खा चुका है, तो ये सारी चीजें क्या हो रही, समाप्ति को दर्शा रही। अगला है अवकाश बोधक, जिस क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध, जैसे वह मुश्किल से सोने पाया या वह मुश्किल से जाने पाया, अब यहां पर क्या दर्शा रहा है, यहां अवकाश आपको दर्शा रहा है, ठीक है। अनुमत बोधक, जिससे कार्य करने की अनुमत दिए जाने का बोध हो वह अनुमत बोधक कार्य होगी। मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, दो दो क्रियाएं हैं लेकिन अनुमत मांग रही, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें है नित्यता बोधक, यानी जहां पर हमेशा कोई कार्य क्या हो, चलने का कार्य होने का बोध हो, नित्यता उसके बंद ना होने का भाव प्रकट करती है, इसे नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे हवा चल रही है, पेड़ बढ़ता गया, तोता पढ़ता गया, ये सब चीजें क्या है, ये सब लगातार कॉन्टिन्यूटी को दर्शा रही, वो सब नित्यता बोधक होंगी, समझ गए। अगला है आवश्यकता बोधक, जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो वह आवश्यकता बोधक होगा। जैसे यह काम मुझे करना पड़ता है, अब यहां आवश्यकता हो गई, समझ गए, करना पड़ता है, दो दो क्रियाएं हैं लेकिन आवश्यकता को दर्शा रही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है भैया निश्चय बोधक। निश्चय बोधक क्या होती है, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चितता का बोध हो उसे निश्चय बोधक कहते हैं। वह बीच में ही बोल उठा, उसने कहा मैं मार बैठूंगा, वह गिर पड़ा, अब दे ही डालो, इस प्रकार की क्रियाओं में पूर्णता और नित्यता का भाव वर्तमान है,
ठीक है, वर्तमान में दिखा रहा। अगला है इच्छा बोधक, इससे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती, वह घर आना चाहता है, मतलब मैं खाना चाहता हूं, दो दो क्रियाएं हैं, संयुक्त क्रिया लेकिन इच्छा दर्शा रही, समझ गए। अगला है अभ्यास बोधक, क्रिया के करने के अभ्यास का बोध होता, सामान्य भूतकाल की क्रिया में करना क्रिया लगने से अभ्यास बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं, जैसे यह पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूं, अब यहां पर क्या दो दो क्रियाएं आ रही लेकिन अभ्यास में, ठीक है मैं ऐसा किया करता हूं भाई, मेरी ये हैबिट है, अभ्यास है, समझ गए। अगला है शक्ति बोधक, इससे कार्य करने की शक्ति का बोध होता, मैं चल सकता हूं, वह बोल सकता, दो दो क्रियाएं हो रही लेकिन इसमें सकना शब्द का हमेशा प्रयोग होगा। अगला है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे वह पढ़ा लिखा करता है, वह यहां प्राय आया जाया करता है, जहां पर ऐसे मिले वो पुनरुक्त बोधक होंगी, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती, मैंने बताया कि 11 जो मैंने विभेद बताए थे संरचना के आधार पर, चार मेन, कहीं कहीं 11 मिलता है, तो उन्हीं को आपको समझ लेना है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती, जहां पर यह पूछा भी गया है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है, मतलब पुजारी ने नहाकर पूजा की, नहा लिया पुजारी ने, फिर पूजा भी किया, दो दो क्रियाएं हुई लेकिन यह क्रिया क्या हो गई, पहले ही समाप्त हो गई। मेन उसका कार्य पुजारी का था पूजा करना, मुख्य क्रिया पूजा की थी लेकिन उससे पहले कोई क्रिया वो निपटा दी, नहा लिया, ठीक है। राखी ने घर पहुंचकर फोन किया, फोन करना मेन कार्य था लेकिन घर पहले वो पहुंच गई फिर फोन किया, इन सभी में आप देख रहे हो कि मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया हो जा रही है, समझ गए उदाहरण को, बहुत बढ़िया। पूर्वकालिक का अर्थ ही वही होता है भाई कि जो क्रिया पूर्व समय में हो जा चुकी है, ठीक है, वो क्रिया है। आगे बढ़ते हैं अगला, तात्कालिक क्रिया क्या होती, यह क्रिया ही जो है पूर्वकालिक क्रिया की ही तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर ना होकर क्रम का अंतर होता है, ध्यान रखना, उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं, जैसे वह आते ही सो गया, यह भी भैया ट्रिपल एससी में आया हुआ है, ध्यान रखना, वह आते ही सो गया, शेर देखते ही वह बेहोश हो गया, मतलब तुरंत तुरंत फिनिश हुई हो, तात्कालिक इसे बोलते हैं, समझ गए। कृदंत क्रिया क्या है, मूल क्रियाओं में प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती वह कृदंत क्रिया कहलाती है, ठीक है, कृत धातु मैंने बताया भी था, ठीक है, अर्थात जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका एक क्या करते हैं नई क्रिया रूप बनाते हैं तो वह कृदंत प्रत्यय कहलाता है, जैसे चलता, भागता, दौड़ता, हंसता, ये सभी क्या है कृदंत प्रत्यय। यौगिक क्रिया क्या होती है, यौगिक क्रिया भैया जथा नामे यथा गुणे, ठीक है, जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती उसे यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया भी यही थी लेकिन वहां दूसरी चीजें थी, ठीक है, इसमें पहली क्रिया पूर्वकालिक और दूसरी उत्तरकालिक होती है, इस चीज को ध्यान रखना हमेशा, पहली क्रिया पूर्वकालिक, पहले काम हो गया, पहले समाप्त हो गई, दूसरी बाद में होने वाली, जैसे वह सामान रखकर गया, वह सामान रखकर गया, ठीक है, दूसरी परीक्षा सिर पर आ चुकी है, दो दो क्रिया है लेकिन एक पूर्वकालिक है दूसरी उत्तरकालिक, एक बाद में होगी और एक पहले हो गई, हमेशा ध्यान रखना, एक क्रिया बाद में होनी है और एक पहले हो गई, परीक्षा सर पर आ चुकी, परीक्षा होनी बाद में लेकिन आ गई, ठीक, परसों से होनी है आज हो गया, समझ गए ना, ये सारे उदाहरण। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जिसको आपने पढ़ा है, जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती उसे हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कहते हैं, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने और अर्थ को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया की आवश्यकता होती, कभी एक तो कभी एक से ज्यादा क्रिया सहायक क्रिया के रूप में आती है। अगली है सजातीय क्रिया, भैया जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहते हैं, जैसे अच्छा खेल खेल रहे हो तुम, किसी को शाबाशी आपने दी, अच्छा खेल खेल रहे हो, बहुत बढ़िया, अब यहां पर क्या है, यहां भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हो गया। दूसरा है वह अच्छी लिखाई लिख रहा है, मतलब भाव आ रहा नहीं, तो यह हमेशा याद रखना सजातीय क्रिया होगी जहां क्या भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हो जाएगा। अगला है भैया विधि क्रिया, जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे क्या कहते हैं, उसे विधि क्रिया कहते हैं, हमेशा दिमाग में रखना, जैसे यहां पर जो उदाहरण मैंने लिया है
यहां पर जो उदाहरण लिया गया है वह उदाहरण क्या है आपका? विधिक्रिया में, मतलब आज्ञा का पता चलता है, घर जाओ, ठहर जा, ये सब जो उदाहरण है ये सब किसके उदाहरण है? ये सब विधिक्रियाओं के उदाहरण है, यानी जहां पर क्या हो, किसी आज्ञा का पता चले, वो विधि है आपके लिए, नियम हो गया, घर जाओ, ठीक, खाना खा। तो उम्मीद है क्रिया के बारे में सब कुछ स्पष्ट हो चुका होगा, इतने ढंग से आपने किताबों में भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। मेहनत कैसी लगती है, हर एक चीजें कैसी होती है, टीम का प्रयास कैसा होता है, इसके बारे में अच्छे अच्छे कमेंट देके जाओ। हम नहीं कहते कि आप हमें 499 पे ही करो, आप नोट्स बना सकते हो, बनाओ, ढंग से सारी चीजें होती है, लेकिन भैया अच्छे कमेंट दे दिया जा सकता है, ठीक है, उससे हमारा हौसला बढ़ता है, तो कुछ बढ़िया बढ़िया लिख कर जाओ यार, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मस्त होकर पढ़िए, धन्यवाद।